हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा जो लेसन नंबर वन है वो करेंगे एनिमल्स। तो यहाँ बहुत सारे एनिमल्स आपको दिए गए हैं, चलो एक बार इनको भी देख लेते हैं। लायन, शीप, डोंकी, काउ, फिश, डॉग, कैट, पैरोट, डियर, एलिफंट, एलिगेटर, सब मिक्स में है। अब हम यहाँ पे कैसे पहचानेंगे? यहाँ देखिए, फिश और एलिगेटर, ये दो जो एनिमल है वो पानी में रहते हैं, तो ये एक्वेटिक एनिमल्स है। पैरट आसमान में उड़ता है, ये बर्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फिर एलिफंट, डियर, लायन, ये एनिमल जो है वो हमें हमारे घर के आसपास नहीं दिखेंगे, ये जंगल में रहते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? वाइल्ड एनिमल्स। क्या कहलाएंगे? वाइल्ड एनिमल्स। फिर शीप, डोंकी, डॉग, कैट, काउ, ये हमारे घर के आसपास होते हैं। बहुत सारे लोग काउ को, शीप को, कैट को घर पे पाल के रखते हैं, डॉग को। तो ये पेट एनिमल और डोमेस्टिक एनिमल कहलाएंगे, पेट एनिमल या डोमेस्टिक एनिमल, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए वन एंड मैनी, एक और ज़्यादा, आगे भी हमने किया था, यहाँ भी देखते हैं। अगर एक है तो ट्री, एक से ज़्यादा है तो ट्री के पीछे क्या लग गया? एस, ट्री, ट्रीज। नेट, नेट्स, पीछे एस लग गया, सेम स्पेलिंग लेकिन पीछे एस लगाना। टाइगर, टाइगर्स। लायन, लायंस। डॉल, डॉल्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? पीछे एक्स लगाना है। एक है तो सिंपल वर्ड डॉल, एक से ज़्यादा है तो डॉल्स। लायन एक है तो लायन, एक से ज्यादा है तो लायंस, है ना। पीछे के पेज में पलटिए। अब हमें यहां तो एक एक ही दिया गया है, लेकिन दूसरे पेज में देख सकते हैं आप, एक से ज्यादा है तो कौन सा सही वर्ड है हमें टिक करना है। काइट, काइट्स और काइट, 1 2 3, तो काइट्स टिक कीजिए। फिर एप्पल और एप्पल्स, एप्पल, एप्पल्स, दो है तो एप्पल्स। कैट, कैट्स और कैट, कितनी है? 4 कैट्स है तो कैट्स। एक से ज़्यादा हो तो एस लग जाएगा, दो होगा तो भी एस लग जाएगा, ठीक है। पेन, पेंस या पेन, पेंस। स्टार, स्टार और स्टार्स, स्टार्स, 4 है तो आपको ये टिक करना है। अब नेक्स्ट पेज में आइए, यहाँ पे हम रीड करेंगे। अगर एक है तो क्या रीड करेंगे? दिस इज अ बर्ड, ये बर्ड है। अगर ज़्यादा है, यहाँ पे 4 है, तो ये दिस का हो गया दिस, इज का हो गया आर, ए आर्टिकल है ये हट जाएगा और बर्ड का हो जाएगा बर्ड्स, ठीक है। दीज आर बर्ड्स। दीज इज एन एंट, दीज आर एंट्स। दीज इज अ टाइगर, दीज आर टाइगर्स। This is a cat, these are cats. This is a dog, these are dogs. This का हो गया this, is का हो गया are और dog का हो गया dogs, क्योंकि एक से ज़्यादा है। एक होता तो dog और this is a dog, एक से ज़्यादा है तो these are dogs. This is a cat,
एक केट है, एक से ज़्यादा है, फोर कैट्स है, तो दीज आर कैट्स। ठीक है, तो आज का वर्क यहाँ तक रखते हैं। आपको आपकी नोटबुक में वर्क करना है। आप नोटबुक में ये टेक्स्ट बुक से ही वर्क करेंगे। दिस इज अ बर्ड, तो आप आज की डेट और डे लिखिए, 19/10/21 आज का डे ट्यूसडे। ऊपर हेडिंग आप देंगे दिस और दिस, दिस और दिस। अब पहला सेंटेंस आप बनाएंगे, इसमें जो लिखा है वो दिस इज अ बर्ड। फिर इसको दीज में कन्वर्ट करेंगे हम, टी एच ई एस ई, दीज आर ए निकल जाएगा, बर्ड का हो जाएगा बर्ड्स, जो हमने बुक में देखा वही। दीज इज अ बर्ड, दीज आर बर्ड्स, दीज इज अ बर्ड, दीज आर बर्ड्स। वैसे ही आपको सारे सेंटेंस लिखने हैं। दिस इज एन एंट, एन एंट, तो इसका प्लूरल क्या होगा, दिस आर एंट्स। यहाँ आर्टिकल ए है एंट के स्पेलिंग के आगे, इसलिए एन लगा है। ए और एन आर्टिकल्स है, वो आपको आगे जाके आपको पढ़ने में आएगा। तो ऐसे ही आपको ये सारे सेंटेंस लिखने, दिस इज अ टाइगर, दिस आर टाइगर्स, दिस इज अ कैट, दिस आर कैट्स, दिस इज अ डॉग, दिस आर डॉग्स। ठीक है, फिर दो पेज आगे आइए, पेज नंबर 19 पे आपकी एक पोयम है एनिमल साउंड्स, तो ये मैं सिंग कर रही हूँ, आपको भी सिंग करनी है। ठीक है, द डॉग सेज बाउ वाउ, द कैट सेज म्याउ म्याउ, द शिप सेज बा बा, द लिटल डक सेज क्वेक क्वेक, द फ्रॉग सेज क्रॉक क्रॉक, द हैन सेज क्लक क्लक, द कॉक सेज कुक डूडल डू। फिर से, द डॉग सेज बाउ वाउ, द कैट सेज म्याउ म्याउ, द शिप सेज बा बा, द लिटल डक सेज क्विक क्विक, द फ्रॉग सेज क्रॉक क्रॉक, द हैन सेज क्लक क्लक, द डॉग द कॉक सेज कुक डूडल डू। ठीक है, तो ये पोएम आपको ऐसे ही सिंग करनी है, द डॉग सेज बाउ वाउ, द कैट सेज म्याउ म्याउ, द शिप सेज बा बा, द लिटल डक सेज क्विक क्विक, द फ्रॉग सेज क्रॉक क्रॉक, द हैन सेज क्लक क्लक, द कॉक सेज कुक डूडल डू। ठीक है, तो ये पोएम आप सिंग करेंगे, आपको एनिमल साउंड्स याद रखना है इसलिए। ओके,